तो दोस्तों आज का इस वीडियो में दिखाऊंगा आप कैसे अमेज़न से कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे, क्योंकि हर काम करने का एक तरीका होता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और एक बात, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो अमेज़न से कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर करने के लिए पहले आपके पास एक अमेज़न अकाउंट होना चाहिए। अमेज़न अकाउंट बनाने के लिए आप प्ले स्टोर से अमेज़न एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसमें एक फोन नंबर डाल के एक अमेज़न अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अभी अमेज़न से कोई भी ऑर्डर करने के लिए पहले आपको अमेज़न एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए ये इंटरफेस आएगा और यहाँ ऊपर कोने में लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने से देखिए ये चार्ट आएगा और यहाँ आपको योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करने से देखिए ये इंटरफेस आएगा और इसी इंटरफेस में हमें योर एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आएगा और यहाँ ऐड ए न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ एड्रेस सेट करना है, मतलब किस एड्रेस में आप आपका ऑर्डर लेना चाहते हो। ये काम आपको पहले ही करना है। एड्रेस में सबसे पहले आपको देना है आपका फुल नेम और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और दूसरा तीसरा है पिन कोड, चौथा है आपका हाउस नंबर। आप अगर शहर में रहते हो तो हाउस नंबर देना बहुत ही कंपलसरी है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो अगर गांव में रहते हो तो। और उसके बाद आपका विलेज पोस्ट सब कुछ देना है और उसके बाद है लैंडमार्क। तो लैंडमार्क मतलब कुछ जान पहचान वाला जगह का नाम देना है। तो लैंडमार्क के नीचे है सिटी, सिटी नियरेस्ट सिटी को सिलेक्ट करना है और सिटी के नीचे है स्टेट, हमें हमारा स्टेट को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद ऐड एड्रेस के ऊपर क्लिक करके इस एड्रेस को सेव कर देना है। और अभी यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो, मतलब ऑर्डर करना चाहते हो, पहले उसे सर्च कर लीजिए, ऊपर सर्च बार में दिया है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मोबाइल सर्च कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ मोबाइल सर्च कर लिया और ये नीचे देखिए Redmi 9 है, इस मोबाइल को मैं ऑर्डर करके अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस मोबाइल के ऊपर क्लिक करूंगा क्योंकि मैं इसे ऑर्डर करना चाहता हूं। और क्लिक करने से ये पे जाएगा और यहां से आप इस मोबाइल के बारे में बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर सकते हो, जो जो आप जानना चाहते हो कोई भी प्रोडक्ट के बारे में यहाँ से आप जान सकते हो। अभी इस मोबाइल को बाय करने के लिए, मतलब ऑर्डर करने के लिए आपको देखिए नीचे जाना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए ये ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा ये पेमेंट ऑप्शन। यहाँ आपको 4 पेमेंट ऑप्शन मिलता है। पहला है UPI और नेट बैंकिंग, मतलब नेट बैंकिंग और UPI के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। दूसरा है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, मतलब आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। और तीसरा है EMI, मतलब आप EMI के जरिए कुछ भी ले सकते हो। और चौथा है पे ऑन डिलीवरी, मतलब कैश ऑन डिलीवरी। तो मैं अभी आपको कैश ऑन डिलीवरी करके दिखाऊंगा, इसलिए कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके कंटिन्यू करूंगा। तो आप यहां से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो और देखिए कंटिन्यू करने के बाद ये पेज आया। और इस पेज में आपको आपका ऑर्डर के बारे में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कि ऑर्डर कितने का है और कब तक ये ऑर्डर आपके पास पहुंचेगा। लेकिन हमें इस पेज में नीचे जो ऑप्शन है देखिए प्लेस योर ऑर्डर, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और कुछ दिन के अंदर अमेज़न का जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव वो इस प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचा देगा और उसके बाद आपसे पैसा ले जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अमेज़न से कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, मतलब ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे आगे का वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।